रुया, दरवाजा खोलो। रुया, यहां तो कोई रुया नहीं रहती। हाँ हाँ जानता हूँ। तो फिर आधी रात में पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वो जो यहाँ रहते थे पता है कहाँ गए? वो चले गए। कहाँ पर? पता नहीं, आज शाम को ही चले गए। मैंने उन्हें बैग के साथ कार की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ डैड, बोलो। क्या हुआ, रोया मिली? नहीं डैड, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है डैड, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे? जंगल के बीच में उसको तुम ऐसे ही छोड़ा है। मुझे सुनाने के लिए फोन किया क्या आपने? भाई का फोन है क्या? क्या पता वो अभी जंगल में ही हो। तुमने ठीक से देखा तो था ना? हाँ डैड। यकीन से कह रहे हो? हाँ हाँ डैड। डैड भाई से कहिएगा वो फूलों को पानी देना ना भूले। भाड़ में गए तुम्हारे फूल, तुम्हें फूलों की पड़ी इस समय। तारिक कुछ कह रहा है क्या? तुम्हारे पास तारिक के घर की चाबियां है ना? हाँ। ठीक है, तो वहां जाके उसके फूलों को पानी दे देना और रिया की खबर मिलते ही फोन करना। ठीक है डैड। हाँ तो यहां रहता है वो पागल आदमी। अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा। नेक्स्ट। और यहां की हालत देखकर तो लगता है कि सफाई दोनों को ही कुछ खास पसंद नहीं है। नेक्स्ट। इन सारे कप्स को देखकर तो यही लगता है कि शायद किसी ने गिफ्ट किया है, शायद तारिक की मॉम ने। नेक्स्ट। बेड ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर लगे कि ये लोग शौकीन हैं। किसी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयाँ नहीं हैं, मतलब तारिक दवाइयाँ नहीं ले रहा था, जो अजीब बात है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट। हेलो, कैसे हो तुम? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। इतनी देर रात, नॉवेल को लेके? हाँ। अच्छा है, और? तुम वेनेसडे मॉर्निंग वापस आ रही हो ना? हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो वेडनेसडे को वापस आ जाऊंगी। क्या मेरे घर पर आओगी? घर पर कब? जब तुम्हारा मन करे, मैं इंतजार करूंगा। तुम तो जानती हो मेरी सिस्टर जर्मनी गई हुई है, मंथ एंड तक वापस आ जाएगी। हाँ जानती हूँ मैं, पर पता नहीं ऐसे आना सही रहेगा या नहीं। क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं न जाने उसे पता चलने पर क्या सोचेगी वो। तो तुम आओगी ना? पता नहीं, सोच के बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कितना झूठ बोलते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। इतनी याद की बता नहीं सकता, पास होती तो पता चलता तो है। मैं कब से अपने जज्बातों का इजहार कर रहा हूँ और तुम हो कि हंसे जा रही हो। नहीं हंसूंगी, अब ठीक है? तुम्हें मेरी बातें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी। मैं वेनेसडे को तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिन रात घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ तुम चाहो वहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके बाय।
प्लीज अपना मैसेज छोड़िए इस बीप के बाद। हाय, तुम्हारा फोन ऑफ है, शायद तुम अपने डैड के घर पर हो। खैर, मुझे तुम्हें बताना था कि मैं वेडनेसडे शाम तक घर पर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? एक बार मैं वापस आ जाऊं, फिर आराम से बात करेंगे। आज बहुत ही अजीब सा लग रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं देखिए मैं बताता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम अंदर कैसे आए? बोलो तुम अंदर कैसे आए? हाँ, चाबी थी मेरे पास। कहाँ से मिली चाबी, बोलो। वो मैंने बिना पूछे ले ली थी, मैंने कुछ भी नहीं छुआ, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। मैं चोर नहीं हूँ, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। एमएल जानती है तुम यहाँ? नहीं, मैंने उसके पर्स से चाबियां लेकर डुप्लीकेट बनवा ली थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सच कह रहा हूँ, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, इस इलाके में भी नहीं दिखूंगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस यहाँ क्या मैं वो ये क्या है? कुछ नहीं, ये मैं अपने नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास रखता हूं, चाहे तो आप रख लीजिए। तो यहां रहता है वो पागल आदमी, अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा, बेड ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। किसी भी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयां नहीं है, मतलब
नेक्स्ट। ये कैसे नोट्स हैं? मैंने कहा था ना, ये किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। ये तुम्हारा टाइम पास है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप हैं कौन? बड़ा भाई। पर एमएल का तो कोई भाई नहीं है। तारिक का। आप तारिक के भाई हैं। तुमने नॉवेल में मुझे क्यों नहीं लिया? मेरी जिंदगी हराम कर रखी है दोनों ने। किसी का कत्ल कैसे कर दिया? इंसान हो या फिर कोई जानवर हो तुम बताओ, कत्ल कर दिया है तुमने? जानते हो कत्ल किया है तुमने? एक पुलिस ऑफिसर का बेटा कत्ल करके आया है। 40 साल की नौकरी में एक दाग भी नहीं लगने दिया मैंने अपनी वर्दी पर, और तूने मुझे एक कातिल का बाप बना दिया। एक बार भी अपने परिवार के बारे में सोचा तुमने? सोचा? थू है तुम्हारे मुंह पर, तुम इंसान नहीं हैवान हो। आज से तुम मर गए हो मेरे लिए, मुझे अपना बाप मत कहना। अब यहां बैठकर किसका अफसोस मना रहे हो? गड्ढा खोदो, लाश दफनाओ और चले जाओ यहां से कहीं दूर। पर मैं वहां अकेले कैसे रहूंगा? वैसे ही जैसे अकेले कत्ल किया तुमने उसका। एक कातिल हो अब तुम, कोई घर परिवार नहीं रहा तुम्हारा, एक शादी तक को नहीं बचा सके तुम। समझ लेना तुम्हारे माँ बाप भी मर गए। डैड मर गया, डैड तुम्हारे लिए।
जैनर, जैनर, अरे कब तक भागते फिरोगे जैनर? अपने हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जल्दी, सुना नहीं तुमने? चलो हाथ ऊपर करो, चलो। मेरा शक सही था, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? बच्ची प्यारी है। क्या कहा? तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। मैं खुद बच्चा चाहता था पर ऐसा हुआ नहीं। तुमने कहा था तुम सब सच बताओगे, तुम अब तक छुप क्यों रहे थे? इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो राज जवान है। क्या बात है मेरे लंगोटिये यार, अब एक पुलिस ऑफिसर बन गया है। तुम भी डैड की तरह बनना चाहते थे, उनकी राइफल से भी खेलते थे, लेकिन छोटे हाथों से वो राइफल चल नहीं पाती थी, याद है तुम्हें? हाथ ऊपर, कहा ना हाथ ऊपर, चलाकी की तो गोली मार दूंगा। सिगरेट भी हो गया? तुम वे हो जो इतनी टेंशन ले रहे हो, चलो वहां अपने अड्डे पर चलकर बात करते हैं, चलते हैं ना, चलो। मेरे घर जबरदस्ती आए, मेरी बेटी के सर पर वार किया और मुझे कहते हो बेवजह टेंशन ले रहा हूं? तुम्हारे लिए मैंने टंक का पीछा किया, उसे रंगे हाथों पकड़ा, उसकी वीडियो बनाई, मैंने तो तुम्हारी मदद की है और तुम्हारी बीवी को भी उस कमीने से बचाया। लेंस तुम ही ले गए थे? हाँ, मेरे लिए ये क्या अहमियत रखता है तुम्हें पता है, याद है ना वो बॉनफायर जलाने के लिए ये अक्सर हमारे कितने काम आता था। तुम्हें ये जंगल में मिला ना, न जाने मुझसे कैसे छूट गया, और डैड को वही जगह मिली लाने के लिए जहां मेरा टेंट था। जैनर वहां चलो। कहां पर? पुलिस स्टेशन चलो। मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसके लिए मुझे माफ कर देना। बकवास मत करो। Risk your soul.